हेलो गाइज, आज का पार्ट है 31वां सेट। 31वां पार्ट है वीडियो का, छठवां। इस बुक में हम मतलब स्पीडी बुक के सारे जो भी सेट दिए 500 सेट, ये हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेट 31। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है जिनकी राजधानी लखनऊ में थी। सेन वंश के जो संस्थापक है सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी क्या थी? लखनऊ। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। महरौली जहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे एक लौह स्तंभ इसे बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बर्नीहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित दर्रा है। बर्नीहाल जो है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित दर्रा है। संविधान के भाग 9 के पंचायतों का उल्लेख है। संविधान में जो भाग 9 है इसमें पंचायतों का उल्लेख है। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। खरीफ की फसल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। खरीफ की फसल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चला जाए। मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चला जा रहा हो, जब लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। सेट 32। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को। सबसे अधिक विषैली मछली है स्टोन फिश। सबसे अधिक विषैली मछली है स्टोन फिश। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US64 है। भारत का जो पहला म्यूचुअल फंड है वो US64। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी थे। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार थे माखनलाल चतुर्वेदी। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। लॉर्ड क्लाइव ने एक शासन प्रणाली चालू की थी द्वैध शासन नामक, इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया। वॉरेन हेस्टिंग्स वह पहले गवर्नर जनरल है जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनके प्रति महाभियोग मतलब उन्हें पद से हटा दिया गया था बहुमत से। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11। मतलब वर्तमान में अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम है। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक है चित्रा सुब्रमण्यम। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य नागालैंड है। झूम की खेती के लिए नागालैंड प्रसिद्ध है। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा होती है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर से अध्ययन की शाखा होती है फ्रेनोलॉजी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा गुजरात राज्य में है। हड़प्पा कालीन स्थल जो है धोलावीरा गुजरात राज्य में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्ज़मबर्ग में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्ज़मबर्ग में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेट 33।
अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानोट थी। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी नीरजा भानोट, जिन्हें मरणोपरांत ये दिया गया था 1987 में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। शहीद ए आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते थे। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रूट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रूट। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। संविधान में आपात प्रबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। इमरजेंसी नाम का जो कंसेप्ट है वो जर्मनी के प्रावधान से लिया गया है। 36वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सेट 34। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष। बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। अकबर ने जो धर्म स्थापित किया था दीन ए इलाही मेरा जीआई वाला, इसके जो पहले जो धर्म स्वीकार किया था वो थे महेश दास। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। नोबेल पुरस्कार वाले सबसे प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के लिए दिया गया था इन्होंने। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्हीं की मौत ताशकंद में हुई थी। एक समझौता करने गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ पे इनकी मौत हो गई थी। वो अब तक के एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है गुजरात से। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण है संवहन। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण है संवहन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन एरिक बिनमेमर था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन मतलब जिनकी आंखें नहीं, ये थे एरिक बिनमेमर। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत दिया था लॉर्ड लेमेंटियर ने। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी 1872 में। 11 जुलाई जनगणना दिवस के दिन पे मनाते हैं हम। हर 10 साल में जनगणना मनाते हैं, हर 10 साल में जनगणना करते। 2011 में हुई थी, अभी होने वाली है 2021 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। मौसम विभाग की स्थापना 1875 में। मियादी ज्वर टाइफाइड के इलाज में प्रभावकारी दवा क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड के इलाज में दी जाती है। सेट 35। राज्यसभा की पहली बैठक
राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू की ऊंचाई 8611 मीटर। समाचार पत्र मराठा के संपादक बाल गंगाधर टिळक थे। समाचार पत्र मराठा के संस्थापक थे बाल गंगाधर टिळक। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। वसा का जो पाचन है वो लाइपेज एंजाइम करता है। देश का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। देश का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक ज्वार के बीच जो है 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के लेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अति चालक मतलब सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है, मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस एकदम जीरो होता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा करंट का भाव हो सकता है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी। हेमावती किसकी है? कावेरी नदी की सहायक नदी। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य होता है धनात्मक। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर जो एक शहर है वो कहाँ पर स्थित है? यांगची नदी के स्थित पर। गोकल जलप्रपात बेलागावी में स्थित है। गोकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? बेलागावी में। दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। दामोदर नदी जाके गिरती है हुगली नदी में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। विषुववृत्तीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। विषुववृत्तीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का जनक कहा जाता है यूक्लिड को। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों का बढ़ावा देना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य है छोटी बचतों को बढ़ावा देना। सेट 36। केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। इनका जो पर्पस था किसी की भी जान लेना नहीं था। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन है। पिग्मी जो जनजाति है इनका जो निवास है वो कांगो बेसिन में है। वर्णांधता से संबंधित रंग लाल और हरा है। वर्णांधता से संबंधित रंग है लाल और हरा। SMS का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। और सिम का है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। पुस्तक मिकी माउस वॉल्ट डिज्नी की कृति है। पुस्तक जो है मिकी माउस वॉल्ट डिज्नी की कृति है। पोलियो टीके का अन्वेषण जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो टीके का जो अन्वेषण है वो किया था जॉन ई साल्क। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम जाम्बिया है। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम है जाम्बिया। वाइस मेल का आविष्कारक गोर्डन मैथ्यूज है। वाइस मेल का आविष्कारक है गोर्डन मैथ्यूज। सुंदरबन का मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन का मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता 65 होती है। मानवीय शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है 65%। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रपात है। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रपात है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाइट पर्वत कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1907 में। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज 1907 में स्थापना हुई थी। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं सदी में शुरू हुआ था। भारत पर जो विदेशी आक्रमण शुरू हुआ था वो हुआ था 11वीं सदी से। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसी के साथ ही हमारा पार्ट 6वां ख़त्म होता है। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, नए जोश में, नए वीडियो के साथ पार्ट 7वें में। धन्यवाद।